वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्ट्रीट फूड सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं स्प्रिंग पोटैटो की रेसिपी। चटपटा मसालेदार स्प्रिंग पोटैटो खाना किसको पसंद नहीं है, तो चलिए देखते हैं, इन भैया से सीखते हैं। तो यहाँ पर दो बड़े बर्तन लिए गए हैं। तो सबसे पहले बड़े बर्तन में इन्होंने डाला है बिस्लरी का वाटर। जी हाँ, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है यहाँ पर। अब इन्होंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डाला है। आपने हर जगह पे देखा होगा कि कॉर्नफ्लावर डाला जाता है, पर चावल का आटा डालने से इसमें कुरकुरापन आता है, बहुत क्रिस्पी लगता है। अब इसमें डाला गया है लाल मसाला, यानी कि रेड मसाला। इससे कलर भी अच्छा आता है और तीखापन भी आता है इस मिक्सचर को। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और प्रॉपर कंसिस्टेंसी का जो है वो घोल बना के लेना है। देखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी का जो घोल है वो बनाना है, ताकि जो कोटिंग है वो मोटी सी लग पाए। देखिए, अच्छे तरीके से मिक्स करके लेना है। यहाँ पर इनका जो ऑयल है वो तप चुका है हाई फ्लेम पे, एकदम हॉट ऑयल जो है वो करके लेना है। पहले जो इन्होंने है वो चेक करके लिया है कि ऑयल तपा है कि नहीं, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है तब चुका है ऑयल। अब दूसरे बर्तन में इन्होंने सोया के क्रम्स और ब्रेड के क्रम्स, दोनों के क्रम्स लिए हैं। सोया के क्रम्स डालने से जो है ये बैटर टेस्टी और उतना ही हेल्दी बनता है। आपने बाहर के दुकानों में देखा होगा सिर्फ ब्रेड के क्रम्स ही डाले जाते हैं, पर सोया के डालने से इसमें एक एडिशनल हेल्थ जो पॉइंट है वो ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर एक पोटैटो लेना है मीडियम साइज़ का, तो इस मशीन से ये जो है स्पाइरल बना के ले रहे हैं। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो चाकू के हेल्प से आप इसे बना सकते हैं, इजीली बन जाता है। बस थोड़ा सा जो लेयरिंग है वो थोड़ा सा मोटा बनता है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देखिए, लेयर कितना अच्छा हो गया, एक स्पाइरल बन चुका है पोटैटो का। अब सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर वो घोल डाला है जो पहले बनाया था, कॉर्नफ्लावर और चावल के आटे का, और लास्ट में ये जो बुरादा इन्होंने बनाया है ब्रेड और सोया का, वो डाल देंगे। अच्छे तरीके से कोट करना है, हाई अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, ताकि वो अच्छे तरीके से चिपक जाए, और इसे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है। कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाता है इसे फ्राई करने में, डीप फ्राई करने में। तो हम जिस दुकान पे आए हैं गनीज़, उस पे इतने सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, और पेरी पेरी मरीन जो है इनका फेमस और इनकी खासियत है। तो देखिए, अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, अब इसे बाहर निकालेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे वो पेरी पेरी मसाला जो इनका स्पेशलिटी है, और साथ में डालेंगे मेयोनीज़ और साथ में सॉस। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे जो खाने का मज़ा है वो तिगुना हो जाता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी बनती है।